नमस्कार, हिमाचल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस मेहरा। बीजेपी की जनसंपर्क यात्रा नैना देवी से शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत विधायक रणधीर शर्मा ने की। इस मौके पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत नैना देवी जी से हो गई है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक रणधीर शर्मा ने की। इस मौके पर श्री नैना देवी जी के कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए। साथ ही विधायक रणधीर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ये उनके लिए तथा पार्टी के लिए शुभ संकेत है और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में कई कांग्रेसी उनके संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। वहीं बहुचर्चित गुड़िया कांड पर भी रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को भी घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि जो इस प्रकरण में कांग्रेस के कुछ लोग शामिल हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। जिस पर चोटें ना लगी, इतनी जिंदगी से उस लड़की को मारा और पुलिस ने काम किया, पहले ही दिन 5 लड़के दोषी पकड़ लिए। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमने असली दोषी पकड़ ली। मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल फेसबुक पर फोटो आ गए, असली दोषी पकड़ ली। जिनको पता लगा वो तो मुख्यमंत्री के बेटे के दोस्त हैं, वो तो कांग्रेस परिवारों से संबंधित हैं, उनको तो बचाना है। तो फिर मुख्यमंत्री तो फोन कर नहीं सकते थे, तो मुख्यमंत्री की पत्नी आगे आ गई। कैसी औरत होगी जिसको तरस नहीं आया कि किस लड़की के साथ कैसा हुआ है। औरत होकर आप पुलिस को फोन कर रहे हो कि लड़कों को कुछ करना नहीं। आज सारा रिकॉर्ड सामने आया है और शाम को 5 नेपाली गोरखे पकड़ लिए। उन्हीं परिवारों में जो नौकर काम कर रहे थे नेपाल से, उनको पकड़ लिया। और फिर डीजीपी कहते हैं सुबह जो पकड़े वो असली नहीं थे, अब जो शाम को पकड़े वो असली दोषी। बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।